परिवार से 45,000 रुपए ले लिए और आखिरकार मौत के मुंह में झोंक दिया सलोनी को। सलोनी पुत्री नेत्रपाल 10 साल की सलोनी को बुखार आ गया था। निवासी सवरिया थाना गड़िया रंगीन की रहने वाली है। 23 तारीख को एडमिट हुई थी वो और 23 तारीख को एडमिट होने के बाद 3 दिन में 45,000 रुपए ठग लिए। परिवार वालों ने रो रो कर बताया। बरेली के एक नर्सिंग होम का कारनामा है ये, दीपमाला नर्सिंग होम का। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। बुखार आने के बाद में एडमिट कराया, एडमिट कराने के बाद 15,000 रुपए रोज की 3 दिन दवा चली और उसके बावजूद जब पीड़ित ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है तो उसको अस्पताल से निकाल के सीधा शाहजहांपुर ट्रामा सेंटर पहुंचवाया गया जहां पर चंद घंटे जी और जीने के बाद में उसने सांसें छोड़ दी। आप देख रहे हैं ये इस समय का नजारा जिस समय बरेली से यहां भेजा गया उसको ट्रामा सेंटर में, तो डॉक्टर देख रहे हैं और चंद घंटे के बाद में उसने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों का पूरा क्या कहना है इस मामले में पूरे विस्तार से बताया है पुलिस के भाई, सुनते हैं पूरा। हम तो परेश से हाथ लगाए प्रभु लया है, मतलब इतना रुपया खर्च होने के बाद भी कोई इतना फायदा नहीं हुआ बच्ची में, उतना ही बस बोलते रहे कि सही है ठीक है। मशीन से निकलाया फिर भी मैं उसको तुरंत झाड़ लिया। बोले डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर बोलता है कितने पैसे पड़ेंगे, पैसा भरपूर देने के बाद भी गारंटी नहीं लेता था। कितने रुपए रोज लिए बेटा? 15,000 रुपए रोज लेता था। फिर भी इधर उधर का कोई खर्चा नहीं, अपने 30 से करते था वो 5,500 का खर्चा, इधर कोई दवा ला के मेडिकल में पूरी दवा भी नहीं मिल रही थी वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल है बरेली का बेटा? दीपमाला बरेली। और वहाँ से कोई भी मरीज साबित जिसमें रूम में लगे थे वहाँ से कोई मरीज साबित नहीं आ रहा है वहाँ पे। सुबह से मैं बैठ कर यही देख रहे हैं कोई मशीन में लगे आईसीयू में मरीज है। हाँ, एक भी सही होकर नहीं आ रहा है। एक बंदा सिर्फ सही हो गया, वो बूढ़ा टाइप का था, थोड़ा उसकी नब्ज पहले सही थी, बोल बाल रहा था। और जो भी सीरियस मरीज जाता है उसके पास से कोई साबित नहीं आता। सुन लिया आपने, बरेली के नर्सिंग होम का कारनामा आपके सामने है। नहीं आई डॉक्टर को दया और 45,000 रुपए लेने के बाद में मौत के हवाले कर दिया। पूरा मामला आपने सुना किस तरीके से गरीब परिवार के ऊपर एक डॉक्टर ने जुल्म ढाया। आप देख रहे हैं कौन से नर्सिंग होम की ये बात है और ना आया तरस और आखिरकार जब पैसे नहीं रहे तो अस्पताल से निकाल दिया। जब सरकारी अस्पताल में आए वहां पर चंद घंटों में ही सलोनी ने दम तोड़ दिया। क्या इस तरीके की मानसिकता जायज है? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब।